Assalamu alaikum, my name is Hadia Mansoor. I am a first year MBBS student at Rawalpindi Medical University. And in this video, I am going to share my MDCAT journey and some tips and tricks that were helpful to me throughout this time period. Starting with my marks, I got 990 marks in matriculation and 1087 marks in FSC. मैंने अपना पहला MDCAT का अटैम्प्ट 2021 में दिया था, विच वॉज कंडक्टेड बाई PMC. तो राइट आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स मैंने किप्स अकेडमी ज्वाइन कर ली थी प्रिपरेशन के लिए. उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 1.5 मंथ था प्रिपरेशन करने के लिए. तो इतने कम टाइम में मेरे से जितने कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें ग्रास्प हो सकती थी मैंने पूरी अपनी कोशिश की थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड इतनी नो हाउ भी नहीं थी कि चीज़ों को किस तरह मैनेज करके और लेकर चलना है. तो I got 156 marks, which wasn't a suitable score for securing admission in a public sector medical college. Then after 1 or 2 months of my first attempt, मैंने counseling ली अपने teachers से, parents से, अपने seniors से, and I felt that I still have a potential that I can give a re-attempt. तो मैंने सोचा कि मुझे gap year ले लेना चाहिए. एंड राइट इन जनवरी मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए थे. फिर मैंने मार्च में अपनी सेकेंड अटैम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए दोबारा किप्स अकेडमी ज्वाइन की थी, बिकॉज इट वॉज़ अ होल ईयर कि मैंने घर में रह के तैयारी करती. इससे बेहतर था कि मैं अकेडमी ज्वाइन कर लेती ताकि मेरी सोशल इंटरेक्शन भी रहती लोगों के साथ और मैं अपना सिलेबस भी जो है वो टाइम पर कम्प्लीट कर लेती और मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बेहतर हो जाती और मैं मेरी प्रैक्टिस पर भी और अपने मेरे जो गोल है उस पर मेरा फोकस रहता. Talking about some tips and tricks, number one, I would say practice and practice a lot because practice makes a man perfect. और ये बहुत important चीज़ है और बहुत common mistake है जो mostly MDCAT aspirants करते हैं कि उनके concepts भी clear होते हैं, उनको चीज़ों की समझ भी होती है, लेकिन जहाँ lack of practice आ जाएगी ना, that will make it all go wrong. तो कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमने कितने concepts clear किए हैं. अगर आप के पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होंगी और आपके प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो हैंड अच्छा नहीं होगा तो उस फिर कोई फ़ायदा नहीं है. नंबर टू, आई वुड से कि अपनी जो है वो नींद पूरी करें, कोशिश करें कि आप रात को सो जाएं. मेरा तो यही था कि मैं रात को आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं रात को कभी ना पढ़ूँ. 6 to 7 hours स्लीप मैं अपनी कंप्लीट करती थी रात को और फजर के टाइम उठ के मैं आराम से तसल्ली से पढ़ती थी, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम आप जो है नमाज़ पढ़ के. उस टाइम आपका ब्रेन भी फ्रेश होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी होता है. तो उस टाइम आई थिंक के चीज़ें याद करने से आपको भूलती भी नहीं है. एंड नंबर थ्री, आई वुड से दैट प्रे अ लॉट एंड कीप अ गुड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद अल्लाह ताला एंड मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें, हाइड्रेटेड रहें एंड कीप अ हेल्दी डाइट. ओके, एंड देन आई वुड से दैट अवॉइड यूजिंग टू मच सोशल मीडिया बिकॉज इट इज़ जस्ट डिस्ट्रैक्शन और आप फिर अपने गोल पर सही तरह फोकस भी नहीं कर पाते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो कमरे में बंद हो जाएं और बिल्कुल ही आप लोगों से भी कनेक्शन अपना जो है वो ना रखें. कीप अ गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड योर सपोर्टिव फ्रेंड्स, उनसे आप बात करें अपनी फ्री टाइम में. छोटे छोटे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं वो पढ़ लें. पिंटरेस्ट इज़ अ वेरी गुड ऐप, आप वो यूज़ करें. उस पर कुरानिक वर्सेज और इस तरह के मोटिवेशनल कोट्स बहुत आते हैं, तो मैं इन्हीं से जो है ना वो मेरा मोरल भी हाई रहता था और मैं पॉजिटिव फील करती थी. सो द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में की थी वो ये कि मैं एक फेडरल की स्टूडेंट थी, मुझे सजा बेम्यू का टेस्ट देना चाहिए था, बट आई ऑप्टेड फॉर UHS और आई गॉट 163 मार्क्स इन माई सेकेंड अटैम्प्ट. तो उस टाइम पे भी मेरा एडमिशन नहीं हो सका था, तो मैं बहुत डिसहार्ट भी हुई थी उस टाइम पे क्योंकि मैंने फेडरल से पढ़ा था, मुझे फेडरल का ही टेस्ट देना चाहिए था, बट मैंने UHS दे दिया. तो आई वॉज रियली डिसहार्ट के अगर मैं सजा बेम्यू देती तो मेरा 100% आई वॉज श्योर कि मेरा एडमिशन हो जाना था. खैर 2023 में मैंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. मैंने फर्स्ट ईयर MBBS अपना प्राइवेट करना शुरू किया एंड आफ्टर 1 or 2 months उधर भी मैंने फिर दोबारा ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू किया कि आई स्टिल हैव अ पोटेंशियल. मेरा हमेशा से ये ख्वाब भी था कि मैं एक पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँ और कुछ यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे जो कि मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन भी बने थे, बिकॉज उन्होंने भी अपने जो है वो MBBS प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दिए, उनको पास किया और साथ अपना MDCAT एस के दे गॉट एडमिशन इन टू अ पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज. तो मैंने उनसे बहुत इंस्पायरेशन ली एंड आई जस्ट थॉट के इफ़ दे कैन डू इट वाई कैंट आई. तो मैंने सोचा कि मुझे एक री अटैम्प्ट दोबारा एक और लास्ट कोशिश कर लेनी चाहिए. सो फाइनली मैंने जून में दोबारा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब मुझे यूनिवर्सिटी से समर ब्रेक हुई थी. एट द एंड ऑफ जून मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. सो बाय द एंड ऑफ जुलाई मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट आई हैड एम्पल टाइम कि मैं अपनी जो पूरी तवज्जो है वो मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर दूँ, अपने मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ और बहुत ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस के ऊपर दूँ.
तो बाय गिविंग थर्ड अटेम्प्ट एंड ऑप्टिंग फॉर सजाब एमयू आई गॉट 178 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय एग्रीगेट दिस टाइम वाज 93.0273 एंड आई गॉट एडमिशन इन रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड आई हैव अचीव माई गोल. Okay, then how did I manage my MDCAT along with MBBS? So it was not an easy task क्योंकि मेरे कभी सबसे जा रही थी, कभी ब्लॉक टेस्ट आ रहे थे, कभी मॉड्यूल्स आ रहे थे. तो एट द एंड एक तो जब मेरी समर ब्रेक हुई थी तब मैंने अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और उसके बाद क्योंकि दोबारा ब्लॉक्स और सब स्टेज वगैरह जब यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी तो दोबारा शुरू हो गई थी, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं जो है जितना कुछ मुझे वहाँ करवाया जा रहा है मैं वहीं बैठ के उसको याद कर लूँ, और उसके बाद जो मेरे पास घर में टाइम बचता था या वीकेंड पे टाइम होता था वो सारा मैं अपनी एम डी कैट और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर लगाऊँ. सो दैट इज़ हाउ कि मैंने एम डी कैट अपना मैनेज किया था अलॉन्ग विद माई एम बी बी एस. एंड अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड मैंने जब अपने फर्स्ट प्रोफेशनल लिए थे तो मैंने वो भी पास कर लिए थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी एडमिशन ले लिया था. So that's all from my side, and best of luck to all the juniors. And a very sincere advice which I would like to give to the freshers is that ke abhi aap logon ke FSC ke papers aayenge to aap abhi filhal apna focus jo hai wo FSC pe hi rakhein, because FSC ki bhi utni hi contribution hoti hai jitni aapki MD CAT ki hoti hai. It is almost equal to that of MD CAT. Jab aapka aggregate banta hai to FSC also plays a very major role in the formation of your aggregate. So डोंट टेक इट लाइट, डोंट टेक इट ईजी. आप अपने FSC पे अपना कम्प्लीट फोकस रखें. कीप फेथ इन योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक.